Okay, हेलो हाय डियर्स, चलिए पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो होता क्या है, ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब भी कोई भी दो एंगल का सम थीटा वन प्लस थीटा टू अगर 90 डिग्री हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या करता है ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये राइट एंगल ट्रायंगल सपोज ए बी एंड सी है, ठीक है, ये सी है। तो आप जानते हैं सर राइट एंगल एट बी है, आई मीन ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल सी का सम क्या होगा, 90 होगा, है। एंगल ए प्लस एंगल सी आपके पास बनेगा 90 डिग्री। अब यहाँ से मैं C इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस A उधर शिफ्ट हो जाएगा तो A, सही है। अब ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, तो C को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस A। अब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन लिखूंगा। अब आप जानते हैं साइन ऑफ एंगल, सपोज मैं C लिखना चाहूँ तो साइन C को क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता है, इसे मैं साइड में लिख लेता हूँ। जब भी आपने ये रेशियो याद रखनी है तो ये होगा, क्या कैसे याद करोगे रेशियो, जब भी आपने याद रखनी है सम तो याद रखें ऐसे, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर है ना, उसके बाद टू प्रेजेंट ब्यूटी है, ठीक है, ये चीज होती है। तो ये आपने याद रखनी होगी, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से साइन ऑफ सी हुआ, एंगल सी है ना। अब एक चीज याद रखिएगा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, साइन सी होगा, जो भी एंगल होगा उसी के अपोजिट साइड जो होता है उसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे साइन सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, साइन सी का अपोजिट एंगल है आपके पास परपेंडिकुलर ए बी है। तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC है ना। तो परपेंडिकुलर हुआ AB और हाइपोटेनस हुआ AC, ठीक है। तो ये चीज आपके पास हो गया AB अपॉन AC। अगर मुझे चाहिए cos of angle A, cos A क्या हुआ, अब A यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, जो भी एंगल आप लेते हो उसका अपोजिट साइड देखना, एंगल A कंसिडर कर रहा, अब जो अपोजिट साइड है ये वाला BC, अब ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस क्या बनेगा AB। तो ये होता है सर cos, मतलब क्या हुआ यहाँ से देखना, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है एसी। अब यहाँ पे भी ए बी अपॉन एसी है, यहाँ पे भी ए बी अपॉन एसी है, तो साइन सी बराबर होना चाहिए कॉस ए बी, ऑब्वियसली ए बी अपॉन सी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इधर से कि जो साइन ऑफ एंगल सी है वो बराबर हो जाएगा सर कॉस ऑफ एंगल ए के, ये क्लियर है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। तो क्या चीज हो गया, आपके पास जो साइन ऑफ एंगल सी है वो बराबर हो गया कॉस ऑफ एंगल के। तो यहां से लिख सकते हैं सर, ओके सॉरी, यहां से साइन ऑफ एंगल सी बराबर हुआ कॉस ऑफ एंगल ए के। अब यहां से हो गया साइन ऑफ, अब सी की जगह पे मैं यह लिखूंगा जो यहाँ बॉक्स में लिखा है 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो गया सर कॉस ए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आता है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। इसको इन जनरल आप लिखते हो, ए कोई भी थीटा हो सकता है, एंगल हो सकता है, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा कोई भी एंगल रह सकता है ना। इसी तरह मेरे पास होगा, अगर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, साइन थीटा आपके पास बनता है। तो ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला है। अब मैं सारे फॉर्मूले को एक बार लिख लेता हूँ आपके सामने। तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है, अभी जैसे हमने किया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बनेगा सर कॉस थीटा के, और इसी को उल्टा होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन ऑफ थीटा के, ये पहला चीज हो गया। दूसरा टैन का लिखिए, या आप प्रूफ कर सकते हो टैन वाला अपने से, टैन 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा के, और कॉट को टैन रिप्लेस कर दीजिए, cot of 90 माइनस थीटा हो जाएगा भैया tan थीटा, सही है, ये दो चीज है। तीसरा चीज cosec और sec में रिलेशन है, cosec of
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा हुआ और आपके पास sec ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cosec थीटा। तो ये तीन चीजें आपके पास होंगी। अभी छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन ही कर लेते हैं। अगर मुझे इवैल्यूएट करना है, मान लीजिए आपकी बुक में ऐसे ही क्वेश्चन है, सपोज आपके पास ऐसा साइन ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाय सपोज है कॉस ऑफ 70 डिग्री, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। तो याद रखना, देखिए जो 20 प्लस 70 करोगे 90 होगा, इसका मतलब 20 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है तो आप कोई इनमें से ये फॉर्मूला लगा देनी है, ठीक है। क्योंकि साइन कॉस में है तो आप पहला वाला फॉर्मूला लगा लोगे। अब आपकी मर्जी साइन को चेंज करो या कॉस को चेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं साइन को चेंज करता हूँ तो क्या लिखोगे, साइन ऑफ 90 माइनस, चूंकि साइन को चेंज कर रहे हो ना तो कॉस वाला एंगल लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 90 में से अगर आप 70 को हटाओगे तभी तो आपके पास 20 आएगा, है ना। तो नीचे क्या होगा, नीचे चेंज नहीं करना, एक ही को चेंज करनी है। अब एक फॉर्मूला आ गया सर, साइन 90 माइनस थीटा होती है कॉस थीटा की, थीटा 70 है तो यहाँ पे कॉस थीटा मतलब कॉस 70 हो गया, डिनोमिनेटर में भी कॉस 70, ये कैंसिल होता है, आंसर आया 1 आया, ठीक है। तो आपके पास चीजें क्लियर हो गई, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला लगा के आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अभी क्वेश्चन है आपकी बुक में, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो लिखते हैं प्रूव दैट क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री टू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर होती है 1। आपको ये प्रूव करना है। तो आप लोग जो LHS लोग, ये LHS में क्या है, अब देखिए जब भी सॉल्व करोगे आपको LHS RHS के बराबर दिखाना, RHS में 1 है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना तो 48 पे इन तीनों में से क्या ऐड करने पे 90 आता है, ऑब्वियसली 48 पे 42 ऐड करोगे, तो इन दोनों को साथ में रखोगे तो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री साथ में रखा, फिर यहाँ पे आया सर tan ऑफ 23 डिग्री और आ गया सर tan ऑफ 67 डिग्री। अब इन दोनों में चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, 23 पे 67 ऐड करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों में एक एक को चेंज करो। अगर मैं फर्स्ट वाले को चेंज करता हूँ तो tan ऑफ 90 माइनस क्या लिखोगे, 42 डिग्री, क्यों, क्योंकि 90 में से 42 करेंगे तो 48 आता है ना, हाँ जी, और tan 42 को चेंज नहीं करने का। यहाँ पे tan ऑफ 90 माइनस क्या लिखोगे भैया, 67, है ना, क्योंकि 90 में से 67 करोगे तो 23, और tan 67 को चेंज नहीं करोगे, सही। दिस इम्प्लाइज tan 90 माइनस थीटा होती है cot थीटा की, cot यहाँ पे 42 है, थीटा यहाँ पे 42 है और ये हो गया tan 42 डिग्री, है ना, और यहाँ पे cot ऑफ क्या हो जाएगा 67 डिग्री और यहाँ पे tan ऑफ 67 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हैं cot थीटा होता है सर 1 अपॉन tan थीटा की, ये आपके सबसे पहले वाला फॉर्मूला है, cot और tan reciprocal रहता है, और यहाँ पे tan 42 को आपने वैसे का वैसा रखा, cot 67 को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 67, ओके tan 67 वैसा ही। ये क्या, कहाँ से क्या किया, कौन से जादू किए, ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक चीज था वो ये है सर कि cot जो थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन tan थीटा के, अगर cot 48 है तो 1 अपॉन tan 48 होगा, है ना, सही है। तो ये होगा, अब ये दोनों कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, आपके पास बचा क्या 1, तो यही तो RHS था, यही हमें प्रूव करना था। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और रहता है, जैसे एक क्वेश्चन ये था, आप आपकी बुक में होंगे, आप देख लीजिएगा। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन रहता है, आपको बस चीज़ें वही फॉर्मूले लगा देनी है, बस एकदम से आंसर टक से निकल जाती है। तो क्वेश्चन ये था, मान लीजिए इफ कहता है, जस्ट 1 मिनट, ओके क्वेश्चन ये है, इफ
आपके पास टैन ए बराबर है अगर कॉट सॉरी कॉट बी के, देन आपको प्रूफ करना होगा सर जो एंगल का सम है ए प्लस बी होगा सर 90 डिग्री के, सही है। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, ऐसे क्वेश्चन है आपकी बुक में। लेकिन आप यहाँ पर टैन है यहाँ पे कॉट है, या तो दोनों को कॉट में चेंज करो या तो दोनों को टैन में चेंज करो, आपकी मर्जी। अब मैं टैन ए को ऐसे ही रखता हूँ, कॉट बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, टैन ऑफ 90 माइनस बी लिखूंगा, क्यों 90 माइनस थीटा होती है कॉट थीटा, 90 माइनस बी मतलब कॉट बी, तो ये दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो यहां से टैन टैन सेम है यहाँ पे, इसका मतलब एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल, दिस इंप्लाइज यहां से सॉरी एंगल क्या है भी? यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है सर, एंगल वहां पे है 90 माइनस बी, अब बी को इधर शिफ्ट कर लो माइनस बी को, तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, यही तो हमें प्रूफ करना था, समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस आप करिएगा, ठीक है, और कोई और दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तो बस यहीं तक करते हैं, रखते हैं भैया, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, बाय, टेक केयर।